के बीच तनाव की स्थिति क्यों बन गई? आखिर क्यों पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया? आखिर क्यों दोनों देश आमने सामने आ गए? सवाल कई हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। और इसके लिए हमें खबर को 16 जनवरी से शुरू करना होगा। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भी 18 जनवरी को ईरान के एक इलाके में हमला किया। दोनों के बीच इस तनाव का कारण बने हैं बलोच आतंकी। ईरान के मुताबिक उसने इन आतंकियों के खात्मे के लिए हमला किया और पाकिस्तान के मुताबिक उसने भी इन्हीं आतंकियों को खत्म करने के लिए हमला किया। दरअसल बलूचिस्तान सीमा के दोनों ओर ही माना जाता है। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहां बलोचों की बड़ी आबादी रहती है। उसके अलावा ईरान के सिस्तान में भी बलूचों का एक तबका रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इन बलोच लोगों की संस्कृति भी ईरान से मिलती जुलती है। बलोच लोगों के ऐसे आरोप हैं कि शिया बहुल ईरान में उनका उत्पीड़न होता है। जैश अल अदल जैसे कुछ आतंकी संगठन तो बलूचिस्तान और सिस्तान को मिलाकर एक अलग देश ही बनाने की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये मामला एक अलग बलोच पहचान और उसके लिए अलग मुल्क से जुड़ा है। ईरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बलोच लोग उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे कई संगठन हैं जो उसकी सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते रहे हैं। वहीं ईरान में जैश अल अदल विद्रोही रहा है। अब ईरान अक्सर कहता है कि जैश अल अदल ने पाकिस्तान में बेस बना रखा है और वहीं से ईरान के सीमांत सिस्तान प्रांत में हमले करता है। ईरान का कहना है कि इस संगठन के दो ठिकानों पर उसने एयर स्ट्राइक की। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों को ईरान से समर्थन हासिल है। इस तरह दोनों इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी बलोचों के मसले पर आमने सामने हैं। इसके अलावा शिया और सुन्नी वाला मतभेद भी दोनों की दोस्ती में दरार की वजह है। वहीं ईरान कहता आया है कि जैश अल अदल को पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब से भी समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि ईरान के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल और ड्रोन अटैक में दो बच्चों की जान चली गई। इस हमले में तीन लड़कियां भी घायल हुई हैं। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भी 18 जनवरी को ईरान पर हमला किया। अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव पर कब विराम लगता है। खैर, इस मामले से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल।